किचन में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं धनिया पत्ता की चटनी। तो हमने ये धनिया पत्ता ले लिया है और इसमें हम लोग क्या क्या सामग्री को मिलाएंगे। ये आपको हरी मिर्च है, 7 से 8 हरी मिर्च होगी। ये आधा कटा नींबू है, ये लहसुन है और ये नमक है। और इसमें हम लोग तवा पर इसको पहले इसको अच्छे तरीके से लहसुन और मिर्चा को हम लोग सेक लेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैंने अच्छे तरीके से ये हल्का इसी तरह तवा में ये सिकाई इसको कर लेंगे। अच्छे तरीके से वो सिका जाए, भुना जाएगा, उसके बाद से हम लोग इसको पीस लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, इसको भी धनिया पत्ते को भी थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। उसके बाद से भून करके इसको हम लोग इसको पीस लेंगे मिक्सी में। दोस्तों इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है और इसमें 1 चम्मच के हिसाब से इसमें तेल डाल देंगे। उसके बाद से हम लोग इसको नींबू इसमें निचोड़ लेंगे। उसके बाद से हम लोग इसको पीस लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग की हरी धनिया पत्ते लहसुन मिर्चा की चटनी बनके तैयार है। इसको खाइए और खा के देखिए कैसा लगता है। जाड़े में धनिया पत्ते की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। थैंक यू।